नमस्कार, आवाज इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सरनी सुमित शर्मा। रुक करते हैं देश प्रदेश की खबरों की ओर। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार गिरते जल स्तर को लेकर प्रत्येक ग्राम पंचायत में जलीय स्तर को बढ़ाने के लिए ज्ञान सरोवर तालाब खुदवाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो वही भूमाफिया राजस्व विभाग से साठगांठ कर तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जनपद मैनपुरी के तहसील घिरोर क्षेत्र के ग्राम पंचायत सहेली में देखने को मिला, जहाँ दबंग भूमाफिया तालाब पर अतिक्रमण कर अवैध कब्जा करने पर तुले हुए हैं। इस संबंध में जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया है कि गांव में स्थित गाटा संख्या 1260 गय में 19 बीघा का एक तालाब मौजूद है, जिसका कुछ आंशिक 2 एकड़ भूमि खेत में शामिल हो गई है और वहां पर मौजूद 9 बीघा का तालाब मौजूद था, जिस पर रोड निवासी नाराम नरेश, अजित कुमार, प्रेम शंकर, प्रदीप कुमार, हरिओम प्रेम शंकर, हरीश कुमार सिंह, पाल मानिक चंद आज दबंग भूमाफियों ने राजस्व विभाग के लेखपाल साठगांठ कर अवैध रूप से कब्जा कर लिया, जो अब मात्र 4 से 5 बीघा का तालाब ही रह गया है। इसको लेकर दर्जनों की मात्रा में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा कि तालाब की पैमाइश कराकर तालाब का पुनः जीर्णोद्धार करते हुए ज्ञान सरोवर में तब्दील किया जाए। इस हकीकत का जायजा लेने के लिए मीडिया की टीम ने गांव में पहुंचकर हकीकत का जायजा लेते हुए ग्रामीणों से बात की। आइए हम आपको दिखाए रहे हैं ग्राउंड जीरो एक खास रिपोर्ट। वही इस संबंध में एडीएम मैनपुरी रामजी मिश्र ने बताया कि मामला संज्ञान में है, बहुत जल्द राजस्व विभाग की टीम के साथ स्वयं मौके पर पहुंचकर तालाब पैमाइश कराते हुए कब्जा मुक्त। क्या नाम है भैया आपका? नाम प्रवेश चंद है। प्रवेश चंद जी किस गांव के रहने वाले हैं? नौला से लेकर। अच्छा, ये किस थाने में पड़ता है, ब्लॉक कौन सा है आपका? ब्लॉक अच्छा, यहाँ पर जो ना एक आपने जो ना जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया है जी, जिसमें जो ना तालाब पर अतिक्रमण की बात आपने कही है, कब्जा भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं जी, तालाब को ओढ़ रहे हैं, क्या पूरा मामला क्या है? मामला ये अगर दबंग लोग हैं, ये लोग जबरदस्ती अपना बनाए हुए दूसरा बनाना की कोशिश करता है जी, उसका गिरा देते ये लोग मिलकर। अच्छा, उन्होंने तोड़ा है, उसकी हम वीडियो दिखा सकते हैं जी। उन्होंने कोई भी नोटिस नहीं दिया लेखपाल साहब ने, न पार्टी ने दिया, पार्टी जबरदस्ती के द्वारा ये दबंग अपना असर दिखा रही है। अच्छा, वीडियो भी रखा है, जो भी आप चाहे वो समाज में देंगे आपको। अब ये है कि इनका मतलब टूट गया, हमारा तो कष्ट तो होता ही है साहब जी, बनाए तो हम भी है, क्या वो जब पड़ी होती जमीन सब लोग बना सब बना लेते हैं, तो हमारे पास जो है जगह की अभाव आ जाके कार्ड अपनी टीम डाल के रहना चाहते हैं। इन्होंने साहब मिल करके लेखपाल द्वारा मिल के पुलिस को ला करके जबरदस्ती स्वयं तोड़ी है, स्वयं तोड़ दी जी। अच्छा, पुलिस ने जी, पुलिस ने खड़ी रही है, सिर्फ उन्होंने तोड़ी है, अजीत बाबू ने, अजीत बाबू की बच्ची है, एक उनका सारा है। अच्छा, जबकि वो भी खोदपाल जी नगला से लेके रहने वाले हो? नगला से लेके रहने वाले। अच्छा, थाना कौन सा है आपका? अच्छा जी, यहाँ तालाब पे जो अतिक्रमण किए हुए कौन लोग हैं? ये तालाब पे साहब जो है यहाँ करें हुए हैं, तो लोग तो हम बहुत हैं किनारे पे, लेकिन तालाब हमारे दिखाने से जो तो मेरी उसमें गाँव में करीब 3-4 लोग हैं। 3-4 लोग? हाँ। वो उनके नाम है क्या? राम नरेश और खंड जी प्रवेश, और उसके बाद में अजीत, हरिओम, दीपू, और उसके बाद में जो है अमित के लड़का है छगराम जी, और राम भाई और सिंहपाल, और उसके बाद में है नाइन, उसको नाम जानते नहीं क्या नाम। बिल्कुल अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं। अच्छा, क्या दबंग लोग हैं ये? अब दबंग तो बेसमझे साहब, हमारा तो कोई नहीं है, कोई लाई है, कोई सलाह से हम दबंग से करें कैसे करें, लेकिन घेरे पड़े हैं ये। अच्छा, राजस्व विभाग के क्या मतलब उनसे साठगांठ करके घेर रहे होंगे? आप क्या मालूम साहब, ये नहीं मालूम क्या मालूम, हमारे सामने तो कोई ऐसी है नहीं, अब सामने होती हुआ बता देते हैं। क्या नाम है आपका? वंदना देवी। अच्छा वंदना देवी, ये जो ना तालाब है आपके सामने है, आप उसके पास में रहती हैं, तालाब पे कितनी साल हो गई आपको शादी है यहाँ पे? शादी हुए हमें 17-18 साल हो गए। अच्छा, 17-18 साल पहले क्या तालाब इतना ही बड़ा था? नहीं, छोटा था, इतना ही देखा मैंने, यहाँ सब जगह घिरी हुई देखी। अच्छा, ये घेरते चले गए? घेरते चले गए, उधर से मैंने भी इतनी जगह घेरी, तो इन लोगों ने ऐतराज उठाया जी, हम लोगों को धमकाया, सब कुछ किया इन लोगों ने, लेकिन हम लोग हंगड़ी से घेरते रहे, लेकिन दीवार इन्होंने जबरदस्ती हम लोगों ने लगाई, हम लोगों ने लगा दी, उसके बाद इनने जबरदस्ती लेखपाल को बुला के और तोड़वा दी, दो पुलिस वाले थे और लेखपाल था, हम लोगों ने मना किया, इन लोगों ने माना नहीं, ये कही कि तालाब में है, तो हमने कही ये तालाब में है, तो ये भी खड़ी है, ये भी मकान खड़ा है, है तो तालाब में, सभी तालाब में मेरे लिए ही तालाब है कि नहीं, यही तालाब है, तो यही तालाब है।
अच्छा यहाँ तालाब है उनको, तो जय जबरदस्त है मैं निवालू हूँ। अच्छा मैं पंडित हूँ जय आई। अच्छा यादव लोग हैं, पहले से ही कब्जा किए हैं? जे पहले से कब्जा करें, मैंने थोड़े ही दिन हुए तब कब्जा किया है। मेरा घूरा पड़ता था, पहले घूरा डाला उसके बाद में कब्जा। मेरी जो मकान बना हुआ